साथियों, जैसे जैसे परीक्षाओं का समय नज़दीक आ रहा है, वैसे वैसे छात्रों और उनके साथ ही उनके अभिभावकों के दिलों की धड़कनें तेज़ होती जा रही हैं। और हो भी क्यों ना, आखिर ये छात्रों की भविष्य की दशा और दिशा को तय करेगा। लगभग सभी बोर्ड्स, यानी कि यूपी बोर्ड हो, चाहे सीबीएसई हो या फिर आईसीएसई हो, उनकी डेट शीट्स आ चुकी हैं और बस अब समय का इंतज़ार है कि कब से ये परीक्षाएं शुरू होंगी। तो ऐसे में आज हमने सोचा कि क्यों ना हम आज इसी टॉपिक पर बातचीत करें और जानें कि छात्र इस वक्त किस दौर से गुजर रहे हैं, क्या परीक्षाओं का जो तनाव है उन पर ये हावी है कि नहीं है, क्या जो रिजल्ट्स हैं, क्या उनके जो मार्क्स हैं मन मुताबिक उनको मिलेंगे या नहीं मिलेंगे, मन मुताबिक कोर्सेस या फिर यूनिवर्सिटीज़ में दाखिला मिलेगा या नहीं मिलेगा। ऐसे तमाम सवाल हैं इस वक्त छात्रों के जहन में। तो इनका उत्तर देने के लिए हमारे साथ इस वक्त यहाँ पर कुछ टीचर्स और मनोवैज्ञानिक भी हैं। हमारे साथ हैं श्रीमती रविंदर वर्दी जी, प्रिंसिपल हैं आप, और मनोवैज्ञानिक हैं डॉक्टर ईशान्या राज। तो सबसे पहले हम छात्रों से ही शुरू करते हैं। आप ही बताइए कि इस वक्त जैसे कि आपने देखा कि डेट शीट आ चुकी हैं, तो इस वक्त क्या कुछ गुजर रहा है आपके ऊपर, आप बताइए। सर, सिलेबस को लेकर के बहुत ही ज़्यादा प्रेशर है हमारे ऊपर। हम ये सोच रहे हैं कि समय बहुत कम बचा हुआ है और किस तरीके से हमने जो एक साल में पढ़ाई की है उसको हम कितना जल्दी अपना टाइम मैनेज कर सकते हैं, उसे रिवाइज कर सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा बार उसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं, हम एग्ज़ाम पेपर सॉल्व कर सकते हैं, मॉडल आंसर्स देख सकते हैं, जिससे कि हम मैक्सिमम गेन कर सकें, ज़्यादा से ज़्यादा हम स्कोर कर सकें। इस वक्त हमारे ऊपर स्ट्रेस जो है वो बहुत ज़्यादा है क्योंकि हम बिल्कुल करीब आ चुके हैं अपने एग्ज़ाम्स के। तो निश्चित रूप से तनाव यानी कि हावी दिख रहा है, लेकिन इस तनाव को किस तरह से कम किया जाए उसका हल आपकी मैडम यहाँ पर बताएंगे। लेकिन इसके पहले मैं और कुछ छात्रों से यहाँ जानना चाहूँगा कि आप इस वक्त क्या आपके ऊपर भी तनाव हावी है या फिर आप नॉर्मल है और खूब बढ़िया तैयारी आपकी चल रही है? नहीं, स्ट्रेस तो अभी भी है, लेकिन बहुत कम टाइम है। और क्या बोलते हैं, एक ही दिन का गैप है, जो सबसे टफ मुझे सब्जेक्ट लगता है उसके लिए गैप भी बहुत कम है, तो प्रेशर बहुत ज़्यादा है और पता नहीं कैसे करेंगे इतने कम टाइम में। जी, आप बताइए मैडम। सर, हम लोगों के पास सब्जेक्ट बहुत सारे होते हैं और सबकी प्रिपरेशन के लिए हमें टाइम मैनेज करके तभी पढ़ाई हो सकती है, और अब इस टाइम पे तो रिविजन बहुत ज़रूरी है। हमारे पास टाइम भी कम है और रिवाइज करने के लिए सारे चैप्टर्स हैं। तो प्रिंसिपल साहिबा, लगभग एक चीज़ तो यहाँ पर सामान्य जो जनरल दिख रही है वो ये कि छात्रों में इस वक्त तनाव हावी नज़र आ रहा है, टाइम मैनेजमेंट को लेकर ये काफ़ी सशंकित हैं। तो इस वक्त आपसे मैं यही जानना चाहूँगा कि किस तरह से, अब काफ़ी कम समय बचा है इम्तिहान का और अभी जो समय चल रहा है, तो ऐसे में कैसे वो टाइम मैनेजमेंट करें और जो प्रेशर है उनके ऊपर उसको कम से कम उसको हावी होने दें अपने ऊपर। देखिए, सभी बच्चों को तीन मुख्य बातें आपको इस समय ध्यान में रखनी चाहिए। पहली बात तो ये है कि आपको अपने ऊपर भरोसा करना है। सबसे बड़ी बात है कि आत्मविश्वास, आत्मविश्वास और विल पावर से आप कोई भी मुश्किल जो है उसको हल कर सकते हैं। दूसरा, आपके टीचर्स ने जो टाइम मैनेजमेंट आपको बताया था, यही समय है कि उसको प्रैक्टिकली प्रूव करने का, कि वो चीज़ें जिस ढंग से आपको बताई गई थी वैसे आपको करना है। तीसरी बात है कि जो प्रैक्टिस पेपर्स आपको दिए गए, सभी स्कूलों ने करीब करीब प्री बोर्ड्स कराए हैं, और जो प्री बोर्ड होता है वो एक तरह से आपका पूरी पूरी रिहर्सल है, जैसे कि फाइनल रिहर्सल कराई जाती है, उस ढंग से वो प्री बोर्ड्स आपके कराए गए हैं। तो उसको आप आंकिए कि किस तरह से आप उन क्वेश्चंस को कर पाए थे। उसमें भी आप अपनी कॉपी को फिर से रिव्यू करिए कि कौन से चैप्टर्स ऐसे थे कि जिनके क्वेश्चंस आप नहीं अटेम्प्ट कर पाए थे, तो वो अपने सब्जेक्ट टीचर से क्वेश्चन पूछिए, और अपनी जब तक आत्मसंतुष्टि ना हो तब तक अपने क्वेश्चन ज़रूर टीचर से पूछने चाहिए, क्योंकि टीचर तभी जान पाता है कि आपकी प्रॉब्लम कहाँ है। दूसरा, ये समय आपका प्रैक्टिकल्स का है, तो जो प्रैक्टिकल होता है वो आपका थ्योरी बेस्ड है, और थ्योरी में जितने भी आपके फॉर्मूलाज हैं वही आपने प्रैक्टिकल में किए हैं, चाहे आपने प्रोजेक्ट बनाया है, चाहे आपके जो 15 प्रैक्टिकल्स हैं वो सारे आपके हर चैप्टर बेस्ड हैं, तो उससे आपका कहीं ना कहीं बहुत अच्छा रिवीजन हो गया है। तो आप ये क्यों सोचते हैं कि आपके पास समय कम है? इस वक्त हमारे साथ ईशान्या जी भी हैं, आप मनोवैज्ञानिक हैं। साल भर छात्र बड़ी अच्छी से तैयारी करते हैं, लेकिन जब एग्ज़ाम का समय आता है
तो जो तनाव है परीक्षा का इतना हावी हो जाता है उनके ऊपर कि काफ़ी कुछ वो भूल जाते हैं, यानी कि तैयारी के बावजूद एग्ज़ाम के टाइम पर अंडर प्रेशर वो भूल गए और परिणाम ये हुआ कि वो अच्छा नहीं कर पाते हैं। तो इसको कैसे दूर करें छात्र? सबसे पहले मैं ये बताऊंगी, आप जैसा बता रहे हैं कि वो चीज़ें भूल जाते हैं तनाव के स्ट्रेस में अंदर में आके, तो मैं आपको बताती हूँ कि ज़्यादातर ऐसा होता है बच्चों में कि वो एग्जामिनेशन से पहले उसके रिजल्ट के आउटकम के बारे में सोच करके अपने अंदर निगेटिव फीलिंग डेवलप कर लेते हैं, पता नहीं बुरा होगा, अच्छा नहीं होगा, मैं अच्छा कर पाऊँगा या नहीं कर पाऊँगा, और यही निगेटिव फीलिंग जो होती है ये आपके अंदर एन्जाइटी को और टेंशन को लेकर के आती है। तो आप कोशिश करें जितना कम हो सके आप रिज़ल्ट के बारे में सोचें, रिज़ल्ट के आउटकम के बारे में सोचें, आप अपने अंदर बस ये सोच लेकर के रखें कि मैंने साल भर जो भी तैयारी की है मैंने उसमें अपना 100% दिया है, और जब मैंने 100% इनपुट दिया है तो मुझे कुछ बेस्ट आउटपुट ज़रूर मिलेगा। तो एक कॉन्फिडेंस लाइए अपने आप में, और पॉजिटिव थिंकिंग बहुत मैटर करता है, इसीलिए रिज़ल्ट को लेकर पॉजिटिव रहिए, जो भी होगा वो एक्सेप्ट करेंगे, ये सोच लेकर के आगे चलना है। ईशान्या जी, यहाँ पर एक जो सबसे दुखदायी पहलू ये है कि कई बार मैंने अखबारों में ये भी पढ़ा कि किसी छात्र ने आत्महत्या कर ली, ये सुनकर बहुत दुख होता है, भाई क्यों डर रहे हो, एग्जाम ही तो है आखिर, उसमें आत्महत्या जैसी क्या बात आ गई, तो ये स्टेज तक आखिर क्यों छात्र जा रहा है, और इस छात्र को तो इस तरह मैं सोचता हूँ कि सोचना ही एक पाप है प्रकार का। हाँ, एडोलेसेंट में ऐसा होता है ज़्यादातर केसेस में देखा गया है, या तो एग्जामिनेशन के दरमियान या एग्जामिनेशन का रिजल्ट आने के बाद जो स्टूडेंट्स होते हैं वो सुसाइड अटेम्प्ट करते हैं। सबसे पहले आप ये समझिए कि एग्ज़ाम, ये जो एग्ज़ाम आने वाला है ये मुझे मेरा फ्यूचर डिसाइड करके, मतलब 100% ये हमारे फ्यूचर ग्रोथ से रिलेट नहीं करता है। ऐसा नहीं है कि इस एग्ज़ाम में अगर हम फेल हो गए तो आगे मेरी कोई ज़िंदगी ही नहीं। ज़्यादातर बच्चे यही सोच लेते हैं कि यही एग्ज़ाम मेरी ज़िंदगी का अंत है, तो इस वजह से वो निराश होकर, हताश होकर सुसाइड अटेम्प्ट करते हैं। इसके अलावा कुछ बच्चों में कुछ साइकोलॉजिकल फैक्टर्स होते हैं, जैसे पुअर सेल्फ इमेज, कुछ बच्चे अपने आप को और लोगों से बहुत कम आंकते हैं, उनको लगता है नहीं मेरे अंदर कैपेबिलिटी नहीं है कि मैं ये कर पाऊँगा, कुछ इमोशनल इमैच्योर होते हैं, और कुछ बच्चे जो होते हैं वो पीयर फैक्टर, मतलब अपने दोस्तों संबंधियों के कारण भी ऐसे अटेम्प्ट लेते हैं कि अगर एग्ज़ाम में बुरा आया तो मेरे जो पीयर्स हैं वो मुझे रिजेक्ट करेंगे, या मेरे से बात नहीं करेंगे, या मुझे मेरे दोस्त से कम क्यों आ गया, मुझे उनसे कम नहीं आना चाहिए था। यही चीज़ें हैं जिससे वो सुसाइड की तरफ चले जाते हैं, और सिर्फ सुसाइड ही नहीं है, मैं कहूँगी कि एग्ज़ाम के कारण बच्चों के मेंटल हेल्थ पे इतना प्रभाव पड़ता है कि वो एक एग्जामिनेशन फोबिया डेवलप कर लेते हैं, कुछ बच्चे डिप्रेशन में चले जाते हैं। तो कभी भी जब आप लोगों को ऐसा लगे कि मैं डिप्रेशन में जाने वाला हूँ, मतलब मन उदास हो रहा है, बहुत ज़्यादा थकान लग रहा है, सिक वाली फीलिंग आ रही है, कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा है, या सेल्फ हार्मिंग बिहेवियर का मन कर रहा है, खुद को चोट पहुँचाएं, तो जितनी जल्दी हो सके आप साइकोलॉजिकल या मेडिकल हेल्प के लिए आगे आएँ। मैं प्रिंसिपल साहब से पूछना चाहूँगा कि यहाँ पर जो अभिभावकों की भी जिम्मेदारी काफ़ी होती है, कई बार वो इतना दबाव बना देते हैं अपने बच्चों पर कि देखिए फलाने के बच्चों को इतना नंबर मिल चुका, अब मिल गया है, आप तुमको नहीं मिल पाया, तो ये भी बहुत बड़ा दबाव होता है। तो मैं तो चाहूँगा कि इस वक्त आप बच्चों के साथ साथ कुछ अभिभावकों को भी टिप्स दीजिए। बिल्कुल, अभिभावकों की तो यहाँ सबसे बड़ी जिम्मेदारी है कि पहली बात तो ये कि वो बच्चों से बात भी करें, उनकी परेशानियों को जानें। अगर बच्चा आपसे शिकायत कर रहा है कि मुझे ठीक से नींद नहीं आ रही है, जैसा कि अभी मैम ने कहा कि अगर अपने आप को नुकसान पहुंचाने की इच्छा करती है, या नौजिया बहुत ज़्यादा है, या अंदर से कुछ इस तरह का डिप्रेशन फील हो रहा है, तो वो अपनी बात को अपने पेरेंट्स के साथ आप शेयर करें। मैं हमेशा यही बात स्कूल में भी कहती हूँ कि जो आपके पेरेंट्स आपके जितना ज़्यादा आपका अच्छा सोच सकते हैं वो दुनिया में और कोई नहीं सोच सकता, इसलिए अपनी हर बात अपने पेरेंट्स के साथ शेयर करिए। आपका पेपर ख़राब हो गया, कोई बात नहीं, आके पापा को बता दीजिए कि मेरा ऐसा हो गया और मैं इसको अगले साल इम्प्रूव कर लूँगा। और पेरेंट्स के लिए सबसे बड़ी बात है कि वो दूसरे बच्चों से कंपेयर ना करें। हो सकता है कि आज रिज़ल्ट बहुत उतना अच्छा परसेंटेज नहीं मिल पाया, लेकिन ज़िंदगी रुकती नहीं है, क्योंकि जब एक रास्ता बंद होता है तो कई रास्ते खुलते हैं, और इस समय हमारे पास सब्जेक्ट्स की भरमार है
और हमारे पास बहुत सारे लाइफ स्किल से जुड़े हुए बहुत सारे ऐसे फील्ड हैं जहाँ पे आपको ज़रूरी नहीं है कि आप इंजीनियर या डॉक्टर ही बने या ऐसे ही कुछ क्लाइन करें, आप अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग, अपने हॉबीज़ के अकॉर्डिंग भी बहुत सारे करियर ऑप्शन चुन सकते हैं जहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा हाई परसेंटेज का प्रेशर नहीं है। और एक बात मैं यहाँ बताना चाहूँगी कि कई बार ये होता है कि हमारा सब्जेक्ट कोई पेपर ख़राब हो गया है या हम ड्रॉप करना पड़ रहा है हमको, तो उसके लिए आप लोग ड्रॉप करके एक नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूल है वहाँ से भी आप लोग एक पेपर जो आपका ख़राब हो गया उसको नेक्स्ट सितंबर में होता है और वो आपके बाकी सब्जेक्ट के साथ अटैच हो जाता है, मतलब जो आपने CBSE से चार सब्जेक्ट में रिजल्ट लिया आपने और एक सब्जेक्ट आपने सितंबर में वहाँ से कर लिया तो भी आप उसको उसके साथ अटैच कर सकते हैं। तो इसलिए रास्ते बहुत सारे हैं आपके पास, निराश होने की ज़रूरत नहीं है और उसको अच्छे से भरोसा करने की ज़रूरत है अपने आप पे और वहीं से काम करें। और पेरेंट्स तो बिल्कुल ना कहें, प्रेशर ना दें बच्चों को और ये ना कहें कि लोग क्या कहेंगे, पड़ोसी क्या कहेगा, आज किसी के पास इतना समय नहीं है कि वो क्या करेगा, सब अपनी अपनी ज़िंदगी को अपने नज़रिए से जिए तो ज़्यादा बेहतर है जी। और हम कुछ छात्रों से पूछते हैं, आप बताइए, माइक दीजिए, आपका कुछ सवाल है तो पूछिए। सर, मेरा सवाल ये है कि जैसे कि हम लोग कहते हैं कि अगर टाइम मैनेजमेंट करना है तो हमें टाइम टेबल बनाना चाहिए, मैंने बनाया टाइम टेबल बनाया, बट कभी कभी क्या होता है कुछ कारणों की वजह से हम वो टाइम टेबल फॉलो नहीं कर पाते हैं, उसके बाद हम खुद को कोसते हैं, खुद पे हम लोग को गुस्सा आती क्यों नहीं कर पाया, तो उसके बाद हम बाकी जो आगे का भी जो सोचे रहते हैं वो भी हम लोग छोड़ देते हैं, तो उससे कैसे हम लोग कोप अप करें जी। मैडम आप बताइए। हाँ, जो ये आप टाइम टेबल की बात कह रही हैं तो प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट, ये आपने जाना, इसीलिए बार बार प्रैक्टिस कराया जाता है कि जैसे जो चीज़ें आपकी छूट गई हैं तो उसको नेक्स्ट भी आप मत छोड़िए। दूसरी बात ये है कि जो आपने टाइम टेबल बनाया है तो उसमें जो आपको सबसे ज़्यादा पसंद है, यहाँ पे मैं एक कहना चाहती हूँ कि जो एग्जामिनेशन है इसको आप लोग एग्ज़ाम क्यों मानते हो, इसको एक उत्सव क्यों नहीं मानते, इवेंट क्यों नहीं मानते। आपका बर्थडे होता है तो आप उसके लिए बहुत दिन से प्रिपरेशंस करते हैं, मैं ये ड्रेस पहनूंगा, मैं ये मेन्यू रखूंगा, ये मैं फ्रेंड्स के साथ पार्टी करूंगा या मैं ये खाऊंगा, इस तरह की चीज़ें हम लोग करेंगे, केक का डिज़ाइन ऐसा होगा। अगर आप उसको रिलेट करें उसी इवेंट को तो कितना आप लोग खुशी खुशी उसके लिए प्रिपरेशंस करते हैं, ऐसे ही एग्ज़ाम को भी आप अपना इवेंट मानिए ना, कि वो भी आपका एक उत्सव है और अगर उत्सव है तो फिर आप उस ढंग से तैयारी करेंगे तो कभी भी आपको स्ट्रेस नहीं होगा और ना ही आपको ये फीलिंग होगी कि मेरा ये छूट गया या ये छूट गया। बर्थडे के लिए तो होता ना, ये छूट गया तो लास्ट मिनट भी कवर कर लेते हो, फ्रेंड को फ़ोन करके दौड़ के सामान मंगवा लेते हो, मंगवाते हो, तो ऐसे ही लास्ट मिनट आप नोट्स भी तो डिस्कस कर सकते हो कि आपका ये पोर्शन रह गया, जो आपका फ्रेंड है उसके साथ आपने एक ग्रुप डिस्कशन कर लिया, आपके पास इतना टाइम नहीं है कि आप पुराने निकाल के पढ़ें तो कॉन्फ्रेंसिंग कर लीजिए, चार फ्रेंड्स एक साथ बैठिए, तुम्हारा ये टॉपिक तैयार है, तुम्हारा ये तैयार है, शेड्यूल किया था, वो कहीं ना कहीं डिस्टर्ब हो जाएगा। वहाँ पर आपको ज़रूरत है कि जो एग्जामिनेशन टाइम है, जब आप जैसा मैंने अभी कहा सेलिब्रेशन है तो सेलिब्रेशन में भी तो आपकी दिनचर्या थोड़ी तो बदल जाती है ना उस दिन की, तो उसी तरह से जब आपके एग्ज़ाम टाइम आते हैं तो उस समय हल्का खाना खाएं और लगातार पढ़ाई नहीं कर सकते, ये तो साइकोलॉजिकली भी मैम प्रूव हो चुका है कि कंटिन्यूस अगर आप पढ़ेंगे तो वो आपका माइंड जो है उसको एब्जॉर्ब नहीं करता है और वो सुपरफिशियल हो जाता है, वो जो कंटेंट है 20 मिनट्स उसको आप लगातार पढ़ रहे हैं तो उसमें से 10% ही आप रिटेन कर पाते हैं, तो वहाँ पे इसीलिए कहा जाता है कि हर 2 घंटे के बाद आप एक तो लॉन्ग सिटिंग करते हैं उससे गैस्ट्रिक प्रॉब्लम, कई सारे डाइजेशन से रिलेटेड प्रॉब्लम हो जाते हैं, तो आप उस समय उठ जाइए। और मैं कहती हूँ सबसे अच्छा समय ये है कि उस समय अपना घर का काम खुद करें, अपनी कबर्ड को प्रॉपर रखें, अपना मदर के साथ थोड़ा सा डिनर डाइनिंग टेबल को अरेंज कराएं, तो वो आपकी मूवमेंट भी हो जाएगी बॉडी की,
मम्मी को भी हेल्प मिलेगी और उस दौरान हल्की फुल्की उनके साथ बातें करिए, तो उससे आपका स्ट्रेस भी रिलीज होगा। और यही मैं पेरेंट्स को भी कहती हूँ कि ज़रूरी नहीं है कि उसके लिए वो मूवी देखेंगे तभी रिक्रिएशन होगा। आप जब वहाँ पे खाना खाते हैं उस समय आपस में डिस्कस करिए कि आज तुम्हारा कितना चैप्टर हो गया, या किसी टॉपिक पे कहीं कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रही, या राइटिंग में कोई दिक्कत तो नहीं आ रही, या खाने में क्या प्रॉब्लम आ रही है जिसको डाइजेस्ट करने में दिक्कत है। बहुत सारे पेरेंट्स मेरे सामने ऐसा केसेस आते हैं सर कि मदर्स एग्जामिनेशन टाइम में वो घी वाले लड्डू बना देती हैं, वो पिन्नियाँ बन जाती हैं। तो जब बच्चा रेगुलर वो घी वाली पिन्नी नहीं खा रहा है और एग्जामिनेशन टाइम में वो घी वाला, बादाम वाला, ढेर सारे ड्राई फ्रूट्स की वो पिन्नी खा के और एक जगह बैठ के 4 घंटे आप पढ़ोगे तो अच्छे का भी पेट खराब हो जाएगा ना, तो वो अपने आप प्रॉब्लम हो जाएगी। तो वहाँ पे मम्मी से कहो कि रेगुलर जो डाइट है वही ज़्यादा अच्छी है। बल्कि हाँ, और कुछ बच्चे चाय कॉफ़ी पीते हैं कि मुझे चाय कॉफ़ी पीने से नींद नहीं आएगी और मैं ज़्यादा देर तक पढ़ूंगा, तो ये भी एक मिथ है। ये आपके अपने सेल्फ कंट्रोल की बात होती है। बेहतर है कि चाय और कॉफ़ी, जो कि एसिडिटी भी इंक्रीज करता है और आप लोग की यंग एज है, तो अगर आप दूध नहीं ज़्यादा लेना पसंद करते तो उसके बदले सूप लीजिए, जूसेस लीजिए। और फ्रूट्स तो मैं ये कहूँगी कि हमेशा रॉ खाइए, कोशिश करिए कि काट के, और सेब तो मैं हमेशा कहती हूँ धोने के बाद आप लोग साबुत लेके खाइए, अमरूद साबुत खाइए, कम से कम जो ये आपके जॉ मूवमेंट्स हैं, क्योंकि आप एक जगह सिटिंग रहते हैं, लोगों से कम बात करते हैं, तो ये जब जॉ मूवमेंट्स आपकी कम होते हैं तो वो भी कहीं ना कहीं स्ट्रेस देते हैं, आपके ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करते हैं। तो इस तरह के फ्रूट्स जिनको आप पूरा चबा के और इस तरह से खा सकते हैं, उससे आपके दांत भी अच्छे रहेंगे। अभी आप लोग बहुत यंग हो तो इस तरह से खाना चाहिए। मैम, जैसे हम लोग स्ट्रेस रहते हैं हम लोग को, तो एग्ज़ाम के एक दिन पहले काफ़ी नर्वस रहते हैं, तो एग्ज़ाम के एक दिन पहले जैसे हम अपना कॉन्फिडेंस लेवल बूस्टअप करने के लिए क्या कर सकते हैं? हाँ, बूस्टअप करने के लिए मॉर्निंग में कम से कम आप उठने के बाद, सबसे पहला मैं सभी बच्चों से ये कहती हूँ कि आप लोग उठने के बाद धरती माँ को प्रणाम करने के बाद अपने पेरेंट्स को विश करिए और अपने आप से ये वादा करिए, यस आई कैन डू, कि मैं ये कर सकता हूँ। और बेहतर होगा कि एक अपने बेड के पास एक डायरी रखें और उस डायरी पे सुबह उठने के बाद आप ये लिखिए कि यस आई कैन डू एंड आई कैन अचीव, मैं इतने नंबर प्राप्त कर सकता हूँ और मैं ऐसा कर लूँगा, और करके उसको लिख दीजिए। और फिर उसके बाद अपनी दिनचर्या शुरू करिए, जो टाइम टेबल है उसको फॉलो करिए, और रात को सोने से पहले फिर एक बार आप उस डायरी में ये बात लिखिए कि हाँ मैं कर सकता हूँ। और ये भी देखिए कि सुबह जो आपने लिखा था कि हाँ मैं कर सकता हूँ, तो क्या जो मैं कर सकता हूँ उसके लिए आपने जो एफर्ट था, जो आपकी मेहनत थी, क्या आपने वो किया? नहीं किया तो अगले दिन फिर उसको कोशिश करिए कि मुझे करना है। और सबके हाथ में घड़ी रहती है और हर एक के कमरे में घड़ी है, हर एक के घर में घड़ी है, तो घड़ी हमको सबसे अच्छा मैसेज देती है। मैसेज है निरंतर चलना, और निरंतर चलना ही हमारी सबसे बड़ी सफलता की कुंजी है, कि हम दोबारा प्रयास करें, चलते रहें, कोशिश करें, और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। आप मैम, मेरा क्वेश्चन ये है कि जैसे कि हम लोग अपना टाइम टेबल बनाते हैं कि हम लोग को 2 घंटे मैथ्स पढ़नी है, इस उसके बाद हमको 1 घंटा साइंस पढ़नी है, तो 2 घंटे मैथ्स के बाद वो कब 3 घंटे हो जाते हैं पता ही नहीं चलता है। सेल्फ मोटिवेशन को हैबिट में कैसे लाया जाए? और आप? मेरा सवाल ये है कि जब हम एग्जाम टाइम के लिए तैयारी करते हैं तो घर पे जो क्वेश्चन लगाते हैं वो तो बड़ी आसानी से लग जाते हैं, लेकिन वही जब एग्जाम में आता है तो उसको सॉल्व करते हैं तो हमें लगता है ये हमने कभी पढ़ा ही नहीं है। मैम, मेरा क्वेश्चन ये है कि स्कूल और कोचिंग को साथ में मैनेज कैसे कर पाएँ, क्योंकि टाइम तो दोनों जगह कम ही मिलता है हम लोग को, और दोनों साइड चैप्टर्स भी अलग अलग पढ़ाए जाते हैं लेकिन अलग अलग टाइम पे एक ही चैप्टर, इस कारण हम लोग कन्फ्यूज़ हो जाते हैं। सबसे पहले ये समझिए कि कोचिंग जो है वो आपको एग्ज़ाम पास कराने का सिर्फ एक वही माध्यम नहीं है। एग्ज़ामिनेशन जो बच्चे पास करते हैं वो अपनी मेहनत, अपनी लगन से पास करते हैं, ठीक है। कोचिंग के कुछ अपने अच्छे फ़ायदे हैं, कुछ नुकसान भी है, ठीक है, क्योंकि हो सकता है वहाँ आप भीड़ में 2 घंटा जो पढ़ रहे हैं, 2 घंटा दे रहे हैं, हो सकता है वो 2 घंटे अगर आप अकेले पढ़ें घर में बैठ के
तो और ज़्यादा अच्छे से आप चीज़ों को समझ पाएंगे, उसको याद रख पाएंगे और नोट्स बनाने में आपको मदद मिलेगी। तो अपने अंदर ये मानसिकता लेकर के आइए कि मैं अगर पढ़ाई करना चाह रहा हूँ, मैं कुछ करना चाह रहा हूँ, तो मेरे अंदर ये कैपेबिलिटी है कि मैं अपनी लगन और मेहनत से कर पाऊँगा। मुझे ज़्यादा अगर दिक्कत नहीं है तो किसी पर डिपेंड होने की ज़रूरत नहीं है, या सिर्फ कोचिंग ही एक फैक्टर नहीं है जो मुझे एग्ज़ाम में पास करा सकता है। जो स्टूडेंट अच्छे होते हैं, जिनके अंदर कैपेबिलिटी होती है, वो 100% बिना किसी कोचिंग के सेल्फ स्टडी से भी आगे बढ़ते हैं। जी, और आप लोग आगे जो बैठी हुई हैं, चलो आप लोग पूछिए। रिलेटेड एक और क्वेश्चन भी है। हाँ, पूछिए। कि मैम, कोचिंग के लिए पेरेंट्स कभी फोर्स करते हैं कि तुमको कोचिंग करनी है? आपको पेरेंट्स को ये विश्वास दिलाना है कि मैं सेल्फ स्टडी के थ्रू ही आगे बढ़ सकता हूँ, या मुझे कोचिंग की ज़रूरत है। अगर उनको लगता है नहीं, आप ऐसे भी अच्छा नंबर लेकर के आ रहे हैं, तो वो क्यों फालतू में पैसा खर्च करने जाएंगे? तो एक बार उनको समझाइए कि हाँ, मुझे ज़रूरत है कोचिंग की या नहीं है। और मैं आपके सवाल का जवाब देना चाहूँगी। आपने पूछा था कि एग्ज़ाम के समय मैं बिल्कुल भी नर्वस हो जाता हूँ, कुछ याद नहीं होता है। ये ज़्यादातर कई लोगों के साथ में होता है। तो सबसे पहले जब हम एग्जामिनेशन सेंटर में जाते हैं, तो बिल्कुल कूल डाउन होके रिलैक्स माइंड से जाइए और आराम से चेयर पे बैठ के आप कुछ सिंपल ब्रीदिंग एक्सरसाइज कर सकते हैं। जैसे मैं एक सिंपल ब्रीदिंग एक्सरसाइज आपको बता रही हूँ, इसमें कुछ स्टेप होगा। 1 और 2 में आप ब्रीथ को इनहेल करेंगे, 3 में होल्ड करेंगे और 4-5 में एक्सहेल करेंगे। और जब एक्सहेल करेंगे तो अपने आप से अंदर बोलिएगा रिलैक्स, ठीक है। 1-2 में इनहेल, 3 में होल्ड और 4-5 में एक्सहेल, और एक्सहेल के साथ रिलैक्स। ये आपको थोड़ी देर के लिए काम डाउन करने में बहुत सहायता प्रदान करेगा। उसके बाद आप एक बार अच्छे से इंस्ट्रक्शंस को पढ़िए जो क्वेश्चन पेपर के ऊपर में लिखा है, सारे क्वेश्चंस को देखिए और फिर देखिए कि कौन सा क्वेश्चन मुझे सबसे अच्छे तरीके से आ रहा है। उस क्वेश्चन से शुरुआत करेंगे तो धीरे धीरे कॉन्फिडेंस जो है आप दोबारा से गेन करते जाएंगे और लास्टली आप अच्छा परफॉर्म करेंगे। तो आपके लिए रिलैक्स होना बहुत ज़रूरी है। जो भी निगेटिव थॉट आएगा, सबको एग्जामिनेशन हॉल के बाहर छोड़कर खुश होकर अंदर जाइए। जी, और आप लोग आगे वाले। मेरा क्वेश्चन ये है कि हम लोग सोचते हैं कि बुक पढ़ें, एनसीईआरटी की या सैम्पल पेपर सॉल्व करें, दोनों में से हम लोग कोई समझ नहीं पाते क्या करें, तो इससे हम लोग कैसे कोप अप हो सकते हैं? मैडम आप। बेटा, जो एनसीईआरटी की जो बुक है और जो सैम्पल पेपर्स जो तैयार किए जाते हैं, वो एनसीईआरटी के क्वेश्चंस के बेस्ड पे ही होता है। एनसीईआरटी एक तरह से आप कह सकते हैं कि वो एक चिप है, आपकी कंटेंट का एक चिप है, और उसको आपने इलैबोरेट करके प्रेजेंटेशन बना दिया, वो आपका सैम्पल पेपर्स है। तो एनसीईआरटी पे जो टॉपिक्स हैं उस पे कितने क्वेश्चन फ्रेम हो सकते हैं, वो आपके सारे अदर पब्लिशर्स उसको बनाते हैं। तो एक तरह से वो प्रैक्टिस पेपर है। मेन मैंने आपसे कहा कि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए और उस कॉन्सेप्ट को आपको कैसे अप्लाई करना है। इसका एक छोटा सा एग्जाम्पल, जैसे नमक है, तो नमक आप क्या जानते हैं? नमक का फ्लेवर क्या है? सॉल्टी है। अब आपको ये पता है कि नमक कहाँ डलेगा, ये पता है। उसको मैं कहाँ कहाँ अप्लाई कर सकती हूँ कि मैं नमक से शिकंजी बनाऊंगी, मैं नमक से चाय तो नहीं बनाएंगे आप, नहीं बनाएंगे ना। तो इसी तरह से नमक आपका एक कॉन्सेप्ट है जिसको आपने बहुत अच्छे से जान लिया, और उसका जो एप्लीकेशन है वो आपके सारे क्वेश्चंस हैं जो आपसे बोर्ड में पूछे जाते हैं। तो आपको ये पता होना चाहिए कि मेरा जो ये कॉन्सेप्ट है, ये मेरा किस आंसर पे अप्लाई होगा और कहाँ मुझे उसको रिलेट करके आंसर लिखना है। मैम, जैसे कि कभी कभी फैमिली में कुछ ट्रेजेडीज आ जाती हैं, लाइकवाइज किसी की डेथ हो जाती है, शादी फंक्शंस आ जाते हैं, तो हम लोग उसको भूलने की कोशिश करते हैं, लेकिन जो चीज़ हम लोग भूलने की कोशिश करते हैं वही बार बार याद आती है, तो इससे हमारा कंसंट्रेशन लूज हो जाता है, तो इससे हम लोग कैसे कोप अप हो सकते हैं? और आप थोड़ा और आगे, और एक दो सवाल इसी से रिलेटेड हो अगर। मैम, आपने कहा कि एग्जाम को हम एक फेस्टिवल माने, ये फीलिंग हम अपने अंदर लाएं कैसे? ये फीलिंग अगर हम चाहते भी हैं तो नहीं आ पाती, इसके लिए हम क्या करें? गुड क्वेश्चन। सर, जैसे दीदी ने कहा था कि हम लोग टाइम टेबल मतलब कि फॉलो नहीं हो पाता है, अगर हम बना भी लेते हैं, अगर हम चाहते भी हैं तो भी नहीं फॉलो हो पाता है। कुछ सब्जेक्ट होते हैं हम लोग उस पर ज़्यादा करते हैं, साइंस और मैथ हम लोग ज़्यादा तो ज़्यादा यूज़ करते हैं, पर हम लोग बाद में उसको ज़्यादा पढ़ लेते हैं, बाद में पता चलता है कि हम लोग के हिंदी के मार्क्स भी नहीं अच्छे आ पाते हैं, जो हम लोग के तैयार रहते हैं वो भी नहीं हो पाते।
तो यहाँ पे वही टाइम मैनेजमेंट और प्रैक्टिस, मैंने क्या कहा था कि प्रैक्टिस तो आपको करना पड़ेगा, और अगर आप ये सोचो कि खाली चॉकलेट खा के गुजारा हो जाएगा तो काम नहीं चलेगा, या मैं एक ही डिश तो रोज़ नहीं खा सकते। तो जिस तरह आप सारे न्यूट्रिएंट्स आपको चाहिए, ऐसे ही आपको सारे सब्जेक्ट्स भी पढ़ने हैं। एक चीज़ तो यहाँ पर साफ, जैसे कि हमारे प्रिंसिपल साहब और मनोवैज्ञानिक जो है उन्होंने बताया कि जो एग्ज़ाम्स है इसे डरने की कोई ज़रूरत नहीं, बल्कि इनको एक उत्सव के रूप में हमें लेना चाहिए, और यह तभी संभव हो पाएगा जब आप टाइम मैनेजमेंट यानी कि समय का प्रबंधन पर ध्यान दें। तो आप सब लोग यहाँ पर आए, इसके लिए धन्यवाद। थैंक यू।